वेलकम बैक गाइस। सो हाँ, फाइनली मैं आ चुका हूँ तुम लोग के लिए लेके वापस से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पोकेमॉन फैक्ट्स। आज वाले भी एक से एक यूनिक फैक्ट्स हैं जो कि तुमने शायद कहीं पे भी नहीं सुने होंगे, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, बस एंड तक बने रहना। चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन गाइस, तुम लोग इनको तो जानते ही होगे, इनका नाम है चार्ल्स गुडशो। ये हमको हमेशा पोकेमॉन लीग के स्टार्टिंग में देखने मिलते थे या फिर ट्रॉफी देने वाले टाइम पे, मतलब पोकेमॉन लीग से रिलेशन था इनका। क्या तुमको पता है इनका जो जापानीज नाम है ना, वो फॉर्मर ओलंपिक कम्युनिटी के प्रेसिडेंट उनके ऊपर बेस्ड है। तुम यहाँ पे इनकी फोटो देख सकते हो, इन्हीं के ऊपर जापानीज नाम बेस्ड है ये चार्ल्स गुडशो इनका। फैक्ट नंबर टू गाइस, क्या तुम लोग को ये चीज़ याद है, जो जिम लीडर कोगा था, जो कि कैंटो का जिम लीडर था, अब तो नहीं है, अब तो वो एलीट फोर बन रखा है। तो क्या तुम लोग को पता है, कोगा ने एक्चुअली भाई मिस्टी को ऑफर दिया था कि वो अपने वेरोनाइट के बदले मिस्टी का साइडक ट्रेड करना चाहता है, लेकिन यार मिस्टी ने मना कर दिया था कि उसको वेरोनाइट नहीं चाहिए, उसको अपना साइडक ही रखना है। तो हाँ, मिस्टी भले कितना भी बुरा कह दे भाई यार साइडक को, लेकिन वो प्यार काफ़ी ज़्यादा करती है उससे। फैक्ट नंबर थ्री, जैसे कि हम लोग जानते हैं ऐश हमेशा पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है सारे जिम बैटल्स में, मतलब हर रीजन के जिम बैटल को ले लो, ऐश पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है ऑलमोस्ट हर बैटल में। लेकिन सिनो रीजन के अंदर सबसे पहली बार ऐसा हुआ था जहां उसने सबसे कम जिम बैटल में पिकाचू को यूज़ किया है। टोटल 8 बैटल में से 4 में उसने पिकाचू को यूज़ किया था और 4 जिम बैटल में पिकाचू का यूज़ नहीं किया था। तो हाँ, सिनो में उसने सबसे कम जिम बैटल में पिकाचू का यूज़ किया है, वरना तो भाई वो ऑलमोस्ट सारे जिम में करता ही करता है। फैक्ट नंबर फोर, ये काफ़ी फनी चीज़ डाली थी यार पोकेमॉन वालों ने, बियांका जो कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर एक कैरेक्टर है, तुमने नोटिस किया होगा वो जब भी ऐश से मिलती थी ना, हमेशा भाई ऐश को पानी में धक्का दे देती थी, मतलब जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंटली वो हमेशा ऐश को पानी में गिराती थी। तो ये काफ़ी फनी सी चीज़ डाली थी यार पोकेमॉन वालों ने। फैक्ट नंबर फाइव गाइस, के तुम लोग को पता है ऐश के पिकाचू ने आयरन टेल अटैक सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से सीखा था ताकि वो रॉक्सैना को हरा सके, क्योंकि वो एक रॉक टाइप की जिम लीडर थी और पिकाचू इलेक्ट्रिक टाइप का, तो ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा था। अगर वो लेकिन स्टील टाइप का मूव सीख जाए जो कि सुपर अफेक्टिव होता है रॉक टाइप का, तो काफ़ी फायदा होगा। इसी वजह से यार पिकाचू ने आयरन टेल सीखा था रॉक्सैना को हराने के लिए, जो कि उसने किया, अभी हरा दिया फिर बाद में। फैक्ट नंबर सिक्स गाइस, के तुम लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी थी, होएन रीजन के अंदर ऐश का जो भाई सिक्स्थ जिम बैटल हुआ था, जो कि फ्लाइंग टाइप वाला जिम बैटल था, उसमें ऐश ने जो 4 पोकेमॉन यूज़ किए थे, वही सेम टीम उसने भाई सेवन्थ जिम बैटल यानी कि जो टेट और लीजा के अगेंस्ट बैटल हुई थी उसमें भी वही 4 पोकेमॉन यूज़ किए थे और वो जीता भी था, यानी कि सिक्स्थ और सेवन्थ जिम बैटल उसने एग्जैक्ट सेम पोकेमॉन के साथ में लड़ी थी। फैक्ट नंबर सेवन गाइस, के तुम लोग को पता है अलोला रीजन के बारे में ऐसी स्टोरी बताई जाती है कि जब अलोला रीजन बना था तब यहाँ पे बिल्कुल एकदम अंधेरा था, यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, लेकिन फिर तब इस अलोला रीजन के अंदर सोलगैलियो और नेक्रोजमा अपियर हुए जिन्होंने पूरा लाइट से भर दिया अलोला रीजन को, ऐसे स्टोरी बताई जाती है। फैक्ट नंबर एट गाइस, के तुम लोग को पता है पोकेमॉन का एपिसोड 123 ये एक लौता ऐसा एपिसोड है पूरे एनिमे में जहां पे भाई पेडे मूव का यूज किया गया है। सबको पता होगा मियोथ का ये काफी फेमस मूव है, लेकिन बता दूं ये टीम रॉकेट वाले मियोथ ने यूज नहीं किया था, ये एक काफी फेमस भाई चोर की गैंग थी, एक बंदा उसके साथ मियोथ रहता था और उसी मियोथ को हमने पेडे मूव यूज करते हुए देखा था एक फ्लैशबैक के टाइम पे। तो हाँ, मतलब इसके अलावा और कभी भी भाई पेडे मूव का यूज नहीं किया गया एनिमे में, हमेशा ऐसे बॉटल कैप फेंक देते हैं बट वो एक्चुअल पेडे मूव नहीं है। फैक्ट नंबर नाइन, ऐश का जो लुकारियो है और ऐश का जो क्वेलावा है, इन दोनों पोकेमॉन के बारे में ये सिमिलर चीज़ है कि ये दोनों ही पोकेमॉन अपने रीजन से बाहर इवॉल्व हुए हैं, यानी कि जिस रीजन में ऐश ने इनको पकड़ा था ये उनमें इवॉल्व नहीं हुए, अलग ही रीजन में इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि सिंडेक्विल को जोटो में पकड़ा था और ये सिनो में इवॉल्व हुआ था, और सेम लुकारियो का जहां उसको पकड़ा था वो उस रीजन में इवॉल्व नहीं हुआ। फैक्ट नंबर टेन, जैसे कि हमको पता है ऐश का जो इन्फरनेप है वो जब भी भाई अपनी ब्लेज एबिलिटी यूज़ करता था वो एकदम ही पागल हो जाता था, मतलब एकदम अनकंट्रोलेबल बन जाता था, लेकिन सबसे पहली बार जब उसने इसको कंट्रोल करना एकदम सही से सीखा वो थी भाई बैटल ऐश की वोल्कनर के अगेंस्ट, जहाँ पे भाई इन्फरनेप वर्सेज लग्जरी बैटल चल रहा था और ये बैटल में तो भाई उसने ब्लेज के बाद फाड़ दिया था भाई, बिल्कुल इतना गंदा मारा भाई उसने लग्जरी को सही में, बेचारा यार बैटल भी नहीं कर पाएगा अब कभी इन्फरनेप से वापस। फैक्ट नंबर 11, जैसे कि हम जानते हैं जो थंडर अटैक रहता है इस अटैक की भाई एक्यूरेसी काफ़ी कम होती है, यानी कि इसके लगने के चांसेस कम होते हैं नॉर्मल मूव से, मतलब ये मिस बहुत ज़्यादा होता है भाई, ऐसे चांस रह जाता है तुम्हारा, इसका लगने का चांस बहुत कम रहता है। लेकिन अगर यार बारिश हो रही है और तब तुम थंडर मूव का यूज़ करोगे तो ये लिटरली एक भी बार मिस नहीं होता, और ऐसा इस वजह से क्योंकि हम जानते हैं रियल में भी बारिश के साथ साथ बिजली काफ़ी कड़कती है और थंडर मूव बिल्कुल मतलब बिजली की तरह ही है, तो इसीलिए ऐसा किया गया है कि अगर बारिश में तुम थंडर यूज़ करते हो तो इसकी एक्यूरेसी एकदम 100% हो जाती है, यानी कि तब ये बिल्कुल भी मिस नहीं होगा, वरना नॉर्मली थंडर अटैक बहुत ज़्यादा मिस होता है।
फैक्ट नंबर 12, जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक टाइप के काफी सारे अलग अलग मूव्स हैं, लेकिन क्या तुमको पता है ज्यादातर जो इलेक्ट्रिक टाइप के मूव्स का नाम है ना वो थंडर से स्टार्ट होता है, जैसे कि थंडर शॉक, थंडर बोल्ट, थंडर, ऐसे ज्यादातर जो है वो थंडर से स्टार्ट होते हैं। और फिर थंडर से कम जो है वो है इलेक्ट्रिक, जैसे कि इलेक्ट्रो बॉल, इलेक्ट्रो वेब, ऐसे इलेक्ट्रिक वाले से ज्यादा स्टार्ट होते हैं सेकेंड नंबर पे। और नंबर वन तो भाई थंडर है, ज्यादातर सारे इलेक्ट्रिक टाइप मूव थंडर से हैं। फैक्ट नंबर 13, बिल्कुल अर्थ की तरह क्या तुमको पता है पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर भी जो पोकेमॉन वाली लाइफ है वो सबसे पहले पानी के अंदर ही स्टार्ट हुई थी, जैसे ओमेनाइट, ओमेस्टर, पोकेमॉन, ये सब पानी के अंदर सबसे पहले आए थे, उसके बाद लैंड वाले पोकेमॉन्स आए थे। फैक्ट नंबर 14, गाइस के तुम लोग को पता है एश के किंगलर के पास रिकॉर्ड है एश के सारे पोकेमॉन्स में से सबसे ज्यादा टाइम बाद अपियर होने का। लास्ट टाइम भाई हम लोगों ने जब किंगलर को देखा था वो था भाई पोकेमॉन एडवांस जनरेशन, जहाँ पे एक एपिसोड में ऐश अपने सारे पुराने पोकेमॉन से मिलता है, तो वहाँ पे हमको किंगलर देखने मिला था। और फिर एकदम लेटेस्ट जो देखने मिला था वो था पोकेमॉन जर्नीज के अंदर, और इन दोनों एपिसोड के बीच में डिफरेंस था 792 एपिसोड का, जो कि भाई ऐश के किसी पोकेमॉन के लिए भी सबसे लॉन्गेस्ट अपीयरेंस है, हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा टाइम बाद दिखाया भाई ऐश का किंगलर। फैक्ट नंबर 15, ये अब कोई फैक्ट नहीं है, तुम लोग को बताना है कि भाई ये बंदा कौन है। सबको मोस्ट प्रोबेबली याद ही होगा भाई ये बंदा कौन है, पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में हमको दिखाया जाता था, तो अब इनका नाम क्या है भाई वो कमेंट में बताना। और ये जो डायलॉग भाई हमेशा सेम एक डायलॉग बोलते थे वो भी कमेंट के अंदर बताना अगर तुमको याद है तो। फैक्ट नंबर 16, ऐश के कैंटो पोकेमॉन टीम में तुमने देखा होगा ऐश के ज़्यादातर सारे पोकेमॉन इवॉल्व हुए थे, और जो इवॉल्व नहीं हुए थे वो ऐसे थे जिनको खुद इवॉल्व होना ही नहीं था, जैसे कि बल्बसोर का एग्जांपल ले सकते हैं, इसको इवॉल्व होना नहीं था इसी वजह से इवॉल्व नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ स्क्वर्टल ही ऐसा था जो कि भाई इवॉल्व हो सकता था, इसको इवॉल्व होने कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन स्टिल भाई अपने सेकेंड स्टेज तक में इवॉल्व नहीं हुआ, थर्ड स्टेज तो फिर दूर की बात है। फैक्ट नंबर 17, पोकेमॉन जर्नीज के जो ये वाला एंडिंग थीम सॉन्ग है सबको पता होगा इस थीम सॉन्ग के बारे में, क्या तुमको पता है पोकेमॉन एनिमे के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक जो एंडिंग थीम सॉन्ग यूज किया गया था वो यही है, जो कि लगातार 70 एपिसोड में यूज किया गया था, जो कि सारे एंडिंग सॉन्ग के लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट है 70 एपिसोड। फैक्ट नंबर 18, अगर तुम गेम्स में देखो ना तो यार यहाँ पे इन्फरनेप और टॉर्टेरा में से कौन सबसे पहले फाइनल स्टेज तक पहुँचता है, तो वो आंसर रहेगा यहाँ पे टॉर्टेरा, जो कि 32 लेवल पे ही पहुँच जाता है, और इन्फरनेप 36 लेवल पे पहुँचता है, यानी कि गेम्स के अंदर एक्चुअली टॉर्टेरा जल्दी इवॉल्व होता है, बट एनिमे के अंदर ये उल्टा ही हुआ था यार, जहाँ पे ऐश का जो इन्फरनेप था वो पहले इवॉल्व हो गया था, फाइनल स्टेज में पहुँच गया था, और उसका टॉर्टेरा बाद में जाके फाइनल स्टेज में पहुँचा था। फैक्ट नंबर 19, रियोलू एक लौता भाई बेबी पोकेमॉन है जो कि फाइनल स्टेज में जाके मेगा इवॉल्व हो सकता है। फैक्ट नंबर 20, यानी कि आखिरी फैक्ट, क्या तुमको पता है पोकेमॉन सन एंड मून के एपिसोड 120 के अंदर लाना ने लिटरली भाई अपने फिशिंग रॉड की मदद से कायोग्रे को उड़ा दिया था हवा में, मतलब भाई लिटरली यार कायोग्रे इतना ज्यादा भारी होता है, पता नहीं ये चीज कैसे हुई थी, कायोग्रे ने खुद जंप मारा था या फिर क्या। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुमको ऐसे ही वीडियो मिले, ऐसे फैक्ट वीडियो और पसंद है तो एंड स्क्रीन पे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।